हेलो टू एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ अभिमन्यु IAS। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जम्मू कश्मीर करंट अफेयर्स के ऊपर। दीज आर थर्ड वीक ऑफ अगस्त, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। तो ये फर्स्ट करंट अफेयर जो है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है रिलेटेड टू इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की एक ब्रिगेड है, इस ब्रिगेड का नाम है स्नो लेपर्ड ब्रिगेड। द ब्रिगेड नेम इज स्नो लेपर्ड ब्रिगेड, जिसने रिसेंटली एक्सरसाइज कंडक्ट की है नियर टू LAC, close to LAC line of actual control in eastern Ladakh region. So eastern Ladakh region जो है वो काफ़ी ज़्यादा news के अंदर है 2020 से। ये काफ़ी ज़्यादा news के अंदर इसीलिए है because of recent activities that were taken by the Chinese government, Chinese army। वो हम लोग आगे देखते हैं, पेंगोंगसो लेक, चुशूल सेक्टर, ये सारे मैपिंग हम लोग अभी करने वाले हैं, राइट। अब ये जो एक्सेस, ये सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये आ जाएगा कि स्नो लेपर्ड ब्रिगेड एक्चुअली क्या है। तो स्नो लेपर्ड ब्रिगेड है जो LAC का जो ईस्टर्न लद्दाख वाला रीजन है, जो एक्चुअली लास्ट ईयर भी न्यूज़ के अंदर था, आज भी न्यूज़ के अंदर रहता ही रहता है। ये ब्रिगेड जो है उस रीजन को कंट्रोल करती है जहाँ पे पेंगोंग सो लेक है, जहाँ पे हमारा कंट्रोल है, चुशूल सेक्टर के जो कमांडर मीटिंग होती है वहाँ पे ये ब्रिगेड पार्टिसिपेट करती है। तो ये प्रिलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट ये आ सकता है सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिगेड्स आर रिलेटेड टू इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी से रिलेटेड कौन सी ब्रिगेड है, स्नो लेपर्ड ब्रिगेड, दूसरा हो सकता है कोई भी ब्रिगेड, XYZ जो भी है, राइट। तो ये याद रखना है प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्नो लेपर्ड ब्रिगेड के बारे में। अब ये ब्रिगेड ने एक्सरसाइज कंडक्ट की है, इट इज़ इंटीग्रेटेड मैन्यूवर लाइव फायर एक्सरसाइज। और यहाँ पे जो एक्सरसाइज की है, यहाँ पे बेसिकली काफ़ी ज़्यादा स्कोप होता है टैंक बैटल्स का। तो टैंक बैटल्स जो है वहाँ पे की जा सकती है, बहुत तरीके से की जा सकती है। और ये चीज़ हुई भी है इन द 1962 के टाइम पे। और 1962 के टाइम पे जब आपको पता है इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, चाइना काफ़ी अंदर तक आ चुका था, हमने अल्टीमेटली चाइना के पास एडवांटेज था वो आपको पता ही है। लद्दाख रीजन चाइना की तरफ ज़्यादा फेवरेबल रहता है, लद्दाख का उस तरफ नॉर्थन साइड जो है। तो हमारा जो एडवांटेज हमें मिल पाया, वो मिल पाया चुशूल सेक्टर की वजह से। चुशूल जो है वो एक ऐसा रीजन है जहाँ पे हम लोग काफ़ी एडवांटेज ले सकते थे और लिया भी, और जिसकी वजह से हम लोग ने एक फ्रंट से चाइना को हराया था। अब ये जो चुशूल सेक्टर है, यहाँ पे आप याद रखेंगे मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह का नाम ज़रूर आप याद रखेंगे बिकॉज ही वॉज एसोसिएटेड, उन्होंने चुशूल सेक्टर पर अल्टीमेटली फतेह पा के वहाँ पर एडवांटेज गेन किया था, मेजर शैतान सिंह। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू रिमेंबर आर मार्टियर्स, जिन्होंने हमारे लिए काम किया, हमारे देश के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस किए। तो इतना आप ज़रूर याद रखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मैपिंग देखते हैं। मैपिंग में क्या देखने को मिलेगा कि दिस इज़ आर रीजन, ये इस एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, इस एरिया की जो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था। अब ये रीजन जो है, अगर थोड़ा सा इसको और थोड़ा देखेंगे तो दिस इज़ पेंगोंगसो लेक। पेंगोंगसो लेक के सदर्न बैंक और ऊपर है नॉर्दर्न बैंक। हमारा पेंगोंगसो लेक जो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फिंगर्स हैं, फिंगर्स जो है उसमें कुछ फिंगर्स हैं जो हमारी है, कुछ फिंगर्स जो है चाइना की है। वो फिंगर्स का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, चाइना ने एकदम से उनके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, वो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके नीचे ही सदर्न बैंक के नीचे चुशूल सेक्टर है। यहाँ पे एक्चुअली आपको पता होगा ये न्यूज़ में इसीलिए आ रहा था बिकॉज जो बेसिकली जो कहा जा रहा था, एक तरफ तो इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी एक सामने सामने खड़े थे, और दूसरी तरफ जो है कमांडर्स मीटिंग हो रही थी। तो वो कमांडर्स मीटिंग हो कहाँ रही थी, वो इसी सेक्टर के अंदर हो रही थी, चुशूल सेक्टर के अंदर हो रही थी। इंडियन आर्मी के कमांडर्स थे और चाइनीज़ आर्मी के कमांडर्स थे, राइट। इसके अलावा आपके सामने रिजांगला इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपके ज्योग्राफी एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रिजांगला जो है, इट इज़ बेसिकली रिजांगला और रेचिन ला जो है, दीज आर टू पासेस, माउंटेनियस पासेस हैं बिटवीन लद्दाख एंड चाइना, ठीक है। लद्दाख और चाइना के बीच में ये पासेस हैं, याद आप रखेंगे। आपने ये भी बताना है मनाला, कौन सा पास, मनाला एंड नीतीला, ये दो पासेस हैं। ये दो पासेस कहाँ पे है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, करेक्ट। तो ये आपको पता चल गया कि इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट एरियाज थे जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, राइट। अब ये जो ब्रिगेड है, इसका जो हेडक्वार्टर है नियोमा में है, इट इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप थोड़ा सा याद रखेंगे राइट बैंक ऑफ इंदस में है और पेंगोंगसो लेक, इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, ये सारी चीज़ें हैं, राइट, ओके।
नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अमित शाह ने एक पोर्टल लॉन्च किया है फॉर इंडस्ट्रीज, 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन यूटी। सो बेसिकली लद्दाख जब से यूटी बना है उस तब से लेके काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आ रहे हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो लद्दाख के अंदर, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। 50,000 करोड़ का ये माना जा रहा है कि अभी आगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर इतना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होगा, विच इज़ अ गुड न्यूज़। अब देखिए हाउ दिस न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स एंड मेंस। प्रिलिम्स के लिए इतना इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, मेंस के लिए आपके इम्पॉर्टेंट बिल्कुल होगा। आपके पास ये सवाल पूछा जा सकता है कि वॉट आर द रीसेंट इनिशिएटिव दैट आर टेकन बाई दी यूनियन गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू बूस्ट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ लद्दाख इकॉनमी, है ना। तो ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, 200 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना पड़ेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन लद्दाख। तो क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसी की सीरीज के अंदर एक और इनिशिएटिव लिया है कि वेब पोर्टल जो है वो बनाया गया है ताकि रजिस्ट्रेशन किए जाए यूनिट्स की अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम के फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ JNK। अब आपने मुझे ये बताना है, कॉमेंट के अंदर बताइएगा, मैं आपके सारे कॉमेंट्स के आंसर दूंगा, आपको आंसर भी दूंगा एंड ऑफ द क्लास के अंदर कि क्या सेंट्रल सेक्टर स्कीम का इसका मतलब होता है। अच्छा, आपने मुझे ये बताना है, सेंटर सेक्टर स्कीम होती है और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, ठीक है, स्कीम होती है। तो ये जो स्कीम्स है ये बेसिकली इनमें एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि इस स्कीम के तहत क्या किया जा रहा है, जो इन्वेस्टर्स हैं स्मॉल एंड लार्ज इन्वेस्टर्स दे बी एलिजिबल फॉर इंसेंटिव्स। जो इंसेंटिव्स होंगे वो 28,000 करोड़ के होंगे, नंबर्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जो उनको 10 साल तक मिलते रहेंगे। और कैसे मिलेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंट डायरेक्ट असिस्टेंस मिलती रहेगी और इंटरेस्ट सबवर्जन होगा। इंटरेस्ट सबवर्जन दैट मीन्स वॉट एग्जैक्टली इंटरेस्ट सबवर्जन इज, देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे आप लोन लेंगे तो आपको लोन पे आपको कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट बोलेगी कि आप लोन ले लीजिए, जो इंटरेस्ट होगा उसका कुछ हिस्सा हम लोग आपको दे देंगे और कुछ हिस्सा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या है, एक जो जो बेसिकली लोन लेने वाला इंसान है उसको थोड़ा फायदा मिल जाता है, इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना नहीं पड़ता। यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आ जाता है इंटरेस्ट सबवर्जन में, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ है। अच्छा, इंटरेस्ट सबवर्जन इज डिफरेंट फ्रॉम सब्सिडी। देखो सब्सिडी में क्या रहता है, सब्सिडी इज डिफरेंट थिंग, इंटरेस्ट सबवर्जन इज डिफरेंट थिंग। ये तरीके होते हैं गवर्नमेंट को लोगों को मदद करने के। इंटरेस्ट सबवर्जन में वो पार्टली हेल्प करती है, सब्सिडी में तो वो पूरा मतलब इतना सब्सिडाइज कर दिया, मतलब अब जो इंडिविजुअल है उसको ज़रूरत ही नहीं है आगे पे करने की, वॉट जो सब्सिडी मिल चुकी है उसको, है ना। तो यहाँ पे कंप्लीट गवर्नमेंट रोल प्ले कर लेती है, यहाँ पे क्या है पार्टली रोल प्ले किया जाता है, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। ये सारी पॉलिसी जो है वो वर्कआउट हो रही है बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो DPIIT के द्वारा ये वर्कआउट हो रहा है, ये सारी पॉलिसी जो लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए, अब इन्वेस्टमेंट 50,000 करोड़ की है या आने वाली है, इट विल बी ऑल इंक्लूसिव ऑल राउंड डेवलपमेंट फॉर दी यूनियन टेरिटरी, एंड ऑल्सो ये सब जो स्कीम होगी वो GST रजिस्ट्रेशन के साथ लिंक होगी ताकि आगे जो है वो तरीके से सारा काम चल पाए। अब देखिए आपके लिए मेंस का आप कैसे आंसर लिखेंगे या इससे रिलेटेड कैसे मेंस के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आएगा, दैट इज स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। कौन कौन सी रीसेंट स्कीम्स हैं जो जम्मू कश्मीर की रीसेंट डेवलपमेंट के ऊपर है, या लद्दाख स्पेसिफिक है जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर है, तो ये हम लोग बात कर सकते हैं। दैट इज़ इंसेंटिव अंडर द स्कीम हो गया, कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कुछ स्कीम्स के अंदर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इंसेंटिव्स हैं, उसके बाद GST लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं। अब देखिए स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉर जम्मू कश्मीर, हम लोग ये भी लिख सकते हैं लद्दाख रीजन, यूटी ऑफ लद्दाख रीजन, राइट, ये भी हम लिख सकते हैं। अब वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट इंसेंटिव्स, तो ये सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन के लिए ताकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। इसके अलावा क्या है इंपॉर्टेंट, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर आपको पता है आयुष्मान भारत जो है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये एक और स्कीम है जो बेसिकली सोशल एंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन सेहत स्कीम
के तहत जो है लॉन्च की जा रही है. इट वॉज लॉन्च टू एक्सटेंड द हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ जे एंड के. तो जे एंड के रेसिडेंट्स के लिए ये सारी चीज़ की जा रही है. अंडरस्टैंड, तो इतना आप ज़रूर याद रखें कि हमने इस टॉपिक को पढ़ा एज फार एज दी प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज यहाँ पे बात की जा रही है स्कीम की, राइट. तो स्कीम क्या है, कौन सी स्कीम है पर्टिकुलर रीजन के लिए, जैसे लद्दाख के लिए कौन सी है, जम्मू कश्मीर के लिए कौन सी है, वो स्कीम आपके प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. उसके कुछ फीचर्स आपने पढ़ने हैं. उसके अलावा प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम. इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, देखो जो सेंटर सेक्टर स्कीम होती है, सेंटर सेक्टर स्कीम, तो सेंटर सेक्टर स्कीम के अंदर होता क्या है, इट इज 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. 100% फंड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को. यहाँ पे यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग प्लानिंग या फंडिंग का शेयरिंग जो होता है वो स्टेट और सेंटर का नहीं होता. यहाँ पे 100% फंडिंग होती है, प्लानिंग होती है सेंटर की. बट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर पार्टली फंडिंग होती है. जैसे यूटीज़ में, तो देखिए यूटीज़ में तो 100% ही फंडिंग होगी अगर हम लोग स्कीम्स की बात करें, ठीक है. बट जैसे और स्टेट्स की होती है बात, तो और स्टेट्स में पार्टली फंडिंग होती है, 60-40 का रेशो होता है. और जैसे माउंटेनियस स्टेट्स होते हैं, जैसे हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहाँ पे 90-10 का होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत. अंडरस्टैंड, तो इतना आप ज़रूर याद रखें, सेंटर सेक्टर स्कीम 100% फंडिंग किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है. तो आपके लिए प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट हो गया. इसके अलावा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू राइट इट डाउन कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम्स कौन कौन सी है जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन की, ये आप ज़रूर याद रखेंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, दैट इज फर्स्ट वाई एस एस कप विटनेसेस ह्यूज पार्टिसिपेशन. अब फर्स्ट वाई एस एस कप है क्या एग्जैक्टली, इट इज़ रिलेटेड टू बेसिकली यूथ टैलेंट को टैप करने के लिए, यूथ टैलेंट को टैप करने के लिए जम्मू कश्मीर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने क्या किया है, एक पंचायत लेवल पे एक कंपटीशन शुरू किया है. पंचायत लेवल पे कंपटीशन शुरू किया है जहां पे यूटी के लगभग 3 लाख प्लेयर्स जो होंगे, 3 लाख प्लेयर्स, दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर मेजर स्पोर्ट्स इवेंट. तो ऑब्वियसली चीज़ है. अब देखिए ये एक आपके मेंस प्रस्पेक्टस से इम्पॉर्टेंट है. यू कैन राइट इट डाउन द रीसेंट इनिशिएटिव जो यूथ को और थोड़ा सा और कॉम्पिटेटिव स्पिरिट जगाने के लिए या और जिसे कहते हैं ना नेशन बिल्डिंग करने के लिए यूथ को किस तरीके से हेल्प किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट, ये हम लोग बात कर सकते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर जे एंड के यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के थ्रू जो ये YSS कप 2021 शुरू किया गया है. इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिलिम्स में यही सवाल आ सकता है कि ये जो पर्टिकुलर कप है ये बेसिकली किस लेवल पे शुरू होगा, जैसे इट वुड बी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, इट वुड बी एट द ब्लॉक लेवल या पंचायत लेवल. तो यहाँ पे सिंपल आपने दिमाग में रखना है, इट वुड बी एट द पंचायत लेवल. तो यंग टैलेंट टैप किया जाएगा पंचायत लेवल से, ठीक है. तो ये आप ज़रूर इसको याद रखेंगे. इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने वर्चुअली लॉन्च किया है ये जो स्पोर्ट्स इवेंट है, कहाँ पे, नगरोटा एरिया खेल गाँव में. तो दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कहाँ पे इसको शुरू किया गया, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. बट ये ज़रूर है कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप ज़रूर इसको ध्यान में रखेंगे कि YSS कप जो है वो पंचायत लेवल पे है. पंचायत लेवल पे यूथ को टैप किया जाएगा, उसकी एनर्जी को, और इसमें जो है YSS कप 2021 इसका नाम है. क्लियर हो गया, चलो. इसके अलावा एक पैक्ट साइन किया गया है BRO के द्वारा, मतलब साथ में लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने, दैट इज़ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने एक MOU साइन किया है कि हमारे जो जितना भी रोड नेटवर्क है उसको आपने अपग्रेड एंड इम्प्रूव करना है यूटी के अंदर, ठीक है. तो आपको पता है कि BRO ऑलवेज इन द न्यूज़ एज फार एज दी रोड्स की कंस्ट्रक्शन, हाईएस्ट रोड जो है वो बनाने का श्रेय BRO को जाता है ना. तो इसने काफ़ी ऐसे एरियाज़ में रोड्स कंस्ट्रक्शन करता है जहाँ पे इनहेबिटेबल है, जहाँ पे बहुत मुश्किल होता है पहुँचना, तो वहाँ पे BRO बहुत ही एफिशिएंट होता है. तो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन और BRO का ये MOU साइन किया गया है. अब इसमें क्या है, ये वही मैंने बताया कि BRO का एक्सपर्टीज़ है इन हिली एरियाज़ में टू कंस्ट्रक्ट द टर्नल्स एंड रोड्स, इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं. क्लियर. तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लद्दाख इस चीज़ से होगा, ऑब्वियसली लॉन्ग रन में होगा ही होगा. और ऑब्वियसली BRO और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में बढ़िया अच्छा
जब कोऑपरेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, रिलेशनशिप होता है, तो वो एनरिच होता रहता है, वो कम नहीं होता. और इसके अलावा ओवरऑल इकोनॉमी पे भी लद्दाख की बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा. एंड इस तरीके से नाउ एक सवाल पूछा जा सकता है कि आफ्टर द डिक्लेयरिंग द यूटी ऑफ लद्दाख, मतलब लद्दाख को यूटी डिक्लेयर करने के बाद व्हाट वर द चेंजेस दैट वी हैव सीन. ठीक है, व्हाट वर द चेंजेस दैट वी हैव सीन सो फार एज फार एज द इकोनॉमी एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ लद्दाख इज कंसर्न. तो लद्दाख का सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट किस तरीके से चेंज हुआ है आफ्टर बिकमिंग द यूनियन टेरिटरी, है ना. तो ये एक सवाल पूछा जा सकता है, खुद से पूछा जा सकता है कि आप क्या देखते हो लद्दाख में, ये चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं, क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिए, क्या लोगों का मेंटल साइकोलॉजिकल चेंज हुआ है, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें हैं जो आप ज़रूर इसका आंसर दे सकते हैं. सो जितने भी हैं आप कॉमेंट डाउन कीजिए वॉट एवर द चेंजेस दैट यू वॉन्ट और सम मोर एलैबोरेशन या सम क्रिस्प शॉर्ट एलैबोरेशन. मैंने आपको ये बता दिया कि प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है थर्ड वीक ऑफ अगस्त में. ठीक है, सो आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.